हाय फ्रेंड्स, आज हम एक और बहुत अच्छा चर्चित प्रयोग करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको रिलेशन में प्रॉब्लम है। देखिए, रिलेशन में प्रॉब्लम यदि आप फेस कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है आप उसे जानिए। बहुत सारी घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉर्ट आउट कीजिए उनको। प्रॉपर कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो उसे क्लियर कीजिए, नहीं तो अगर आप चाह रहेंगे सब तरफ से अच्छा है, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो आज मैं आपकी नेगेटिविटी के लिए बता रही हूँ जो आप खुद के लिए करेंगे। ये जो प्रयोग बता रही हूँ ये बेसिकली रिलेशंस के लिए है कि आपको रिलेशंस में दिक्कत है या आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, रिलेशन खराब हो जाते हैं। आज मैं वो प्रयोग बता रही हूँ कि वैसे तो मैंने बहुत सारे रिलेशन पे वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ निकाल सकते हैं। मैंने स्विच वर्ड्स भी दिए हैं उन वीडियोस में, तो वो आप निकाल सकते हैं। आपको मेरा रेखी ज्ञान जो चैनल है वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपको वो स्विच वर्ड लिखना है। आपको रेखी ज्ञान और रिलेशन स्विच वर्ड दिखेंगे तो मेरे रिलेशन के स्विच वर्ड्स वहाँ आ जाएंगे। आप उनको भी इस प्रयोग के साथ प्रयोग कर सकते हैं। चैनल्स को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करती हूँ। आज मैं आपको रिलेशन के लिए बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी जो आप सभी कर सकते हैं। खर्चा इसमें बहुत थोड़ा ही होगा जो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए इस तरीके से रिलेशंस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ रोज़ क्वार्ट सबसे बेस्ट है। आप ये लाइट कलर का भी ले सकते हैं, बिल्कुल बेबी लाइट रोज़ क्वार्ट है, या ऐसे डार्क कलर का भी रोज़ क्वार्ट ले सकते हैं। क्वालिटीज़ के ऊपर होता है, आप कोई भी रोज़ क्वार्ट जो आपको मिले आप ले सकते हैं। एक ऐसा आपको पानी का ग्लास ले लेना है, या आप इस तरीके का अगर बड़ा लेना चाहते हैं तो बड़ा आप ले लीजिए। इसके ऊपर सिंपली रोज़ क्वार्ट को आप ऐसे रख सकते हैं, आप इसको सेव कर लीजिए, अच्छे से रख जाए। और इसके ऊपर आपको या इसके पास में इस तरीके से आपको ग्लास रखना है। साथ ही साथ अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं या इसके ऊपर रखना चाहते हैं, इस तरीके से आप ऊपर रख दीजिए। कोई भी सेफ आप सही से सरफेस का ले लीजिए या इसके बगल में रख लीजिए और 10 मिनट तक आपको रखना है। अब आपका नाम आपको यहाँ पे सोचना है जिसको हील करना है। रोज़ क्वार्ट रिलेशन पे काम कर रहा है। अगर आप ये नहीं कर सकते, इतना बड़ा नहीं लेना चाहते तो ऐसे ऐसे टंबल्स आते हैं, आपको टंबल्स लेने हैं। आपको इस तरीके से टंबल्स को कवर कर लेना है चारों तरफ से और बस आपको इस वाटर को मैजिक वाटर में ये वाटर कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। आपको ऐसा सोचना है। अगर आप रेखी से जुड़े हैं तो फर्स्ट सेकेंड में आप सेहिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको प्रार्थना कर सकते हैं, इस वाटर को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जो मेरे नंबर्स हैं वो भी आप निकाल लीजिए, वो नंबर्स भी यहाँ आप ड्रॉ कर दीजिए, हवा में ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे किसी पेपर पे लिख के पेस्ट करना चाहते हो तो लिख के आप इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। पेपर आप कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है। ये आपको इस तरीके से हील करना है। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ऑटोमेटिक इससे टच हो रही हैं ग्लास से, तो ऑटोमेटिक ये इसको वाइब्रेशन दे रही है। कुछ लोग डालना चाहते हैं तो उस पानी के अंदर वो ये क्रिस्टल डाल के छोड़ सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रखिए। 15 मिनट तक आप इसे रहने दीजिए, आप आराम से कीजिए, कोई वक्त कोई लिमिट नहीं है। और ये जो वाइब्रेशन है इन रोज़ क्वार्ट्स की आपकी रिलेशन पे वो आना शुरू हो जाएगी। ये आपके खुद के लिए है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, आपके खुद को हील करने के लिए। लोग परेशान हैं, हम किसी से मिलते हैं तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है या हमारी दोस्ती लोगों से अच्छी नहीं होती है, तो आप रखिए। आप इस तरीके से टंबल्स अपने पास रखिए, ऐसे टंबल्स आप ले लीजिए, छोटे छोटे आते हैं ये, 2-4 अपने पास रखिए। आप मंगा लीजिए, इनको होल्ड कीजिए अपने पास, अपने पर्स में डाल लीजिए, अपने पास अपने कहीं रखिए, तो ये भी आपके टच रहेंगे। या कम से 15-20 मिनट इनके साथ निकालिए। अगर आपके पर्स में तो ऑब्वियसली 2-4 घंटे तो वो पर्स आपके साथ रहेगा ही रहेगा, या और भी ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा होगा। ऐसे मंगा, अगर रॉ आप इस तरीके से मंगाते हैं तो रॉ भी आप मंगा लीजिए। ये आप रखिए अपने साथ, आप घर में रखिए या आपका जो बेडरूम है आप वहाँ रखिए, डिपेंड करता है आप क्या रख रहे हैं, उस हिसाब से आप वाइब्रेशन कीजिए। बाकी ये जो पानी आपने जो ये स्टोन्स को रख के बनाया है, इस पानी को आपको फिर थोड़ी देर बाद ड्रिंक कर लेना है। बस सिंपली आपको ये करना है, ये स्टोन जो से टच हो रहे हैं इसकी वाइब्रेशन प्रॉपर इस तक पहुँच रही है। आप 3 स्टोन रख लीजिए, आपको ज़्यादा आपको रहिए 5 स्टोन रख लीजिए, 6 स्टोन इसको पूरा कवर कर लीजिए इस तरीके से स्टोन रख रख के, इस वजह से पूरे ग्लास के चारों तरफ बीच में ग्लास रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप उस स्टोन की वाइब्रेशन भी इसके अंदर आ जाएगी, साथ ही साथ पानी हील भी होगा और वो आपको प्योर भी करेगा, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा आपके शरीर में प्रयोग करता है। ज़्यादा स्टोन भी ले सकते हैं, 3 की आप कैपेसिटी 3 लीजिए,
इसके अंदर डालना चाहते हैं डाल लीजिए, स्टील का, कांच का, पीतल का, कोई भी ब्रास का, कोई भी ले सकते हैं। वाटर बॉटल के अंदर डाल के छोड़ दीजिए स्टोन को, फिर आप निकाल लीजिए उसको, ड्रिंक कीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। देखिए अपने वीडियो के माध्यम से मैं बहुत हद तक चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी डाउट होता है आप मुझे कॉल कर लेते हैं, नंबर्स मेरे हमेशा आते ही हैं। बाकी अगर आपको स्टोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे संपर्क कर लेते हैं, मैं आपके लिए अरेंज करा देती हूँ, जैसा मैं आपके लिए जो भी बेस्ट कर सकती हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा जो रेखी ज्ञान चैनल है, अगर ये आपको पसंद आ रहा है जो मैं वीडियोस आपके लिए बता रही हूँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।